हेलो दोस्तों, आपका हार्ट स्पोर्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम 9 अगस्त 2020 के लिए करंट अफेयर देखेंगे दोस्तों, जो कि अति महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि हमारी वीडियो की खासियत होती है कि डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन वर्ड टू वर्ड याद करवा दिया जाता है दोस्तों। तो लास्ट में मैं आपसे एक अभ्यास प्रश्न भी पूछूंगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि CRPF के नए महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल किसको बनाया गया है। तो किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया PS रानी पसे को बनाया गया यहाँ का नया महानिरीक्षक। बात करते हैं दोस्तों CRPF की। CRPF के बारे में याद रखिएगा कि CRPF का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी CRPF की, तो CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को इसकी स्थापना हुई थी। CRPF की ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्तों, तो ये भी याद रखिएगा कि CRPF की ब्रांड एम्बेसडर पी वी सिंधु CRPF की ब्रांड एम्बेसडर है। बात करते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू की दोस्तों, तो गिरीश जी से ग होता है, जी से ग तो CAG यानी हाल ही में भारत का कह किसको नियुक्त किया गया है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है। कह गया यानी भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कहते हैं कह को। अशोक सिन्हा की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए सिन्हा में क्या होता है, शेर, सिन्हा शेर को कहते हैं। तो शेर क्या होता है, जंगल का किंग होता है यानी जंगल का राजा होता है। यानी जम्मू कश्मीर का नया उपराज्यपाल किसको बनाया गया है, अशोक सिन्हा को बनाया गया है। अब प्रदीप कुमार जोशी की बात करते दोस्तों, तो प्रदीप कुमार जोशी को हाल ही में यूपीएससी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। बात करते हैं ये कैसे याद होगा दोस्तों CRPF वाला, तो देखिए महानिरीक्षक CRPF PF आ रहा है ना दोस्तों, PF लास्ट में अगर BF कहेंगे तो रानी का BF कौन है, रानी का BF ठीक ना, इस तरह थोड़ा सा तो बैठा सकते हैं दिमाग में, ऑप्शन मिलेगा तो आप 100% बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में ICC T20 विश्व कप पुरुष की मेज़बानी कौन देश करेगा, तो कौन देश करेगा दोस्तों, तो ये 2021 में भारत करेगा, 2021 में मेंस वाला पुरुष वाला ठीक ना, 2021 में भारत करेगा। और 2022 की बात करते तो करें दोस्तों, तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया करेगा। तो आप इमेज के जरिए देख लेंगे, इमेज को देखने के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे, इमेज देख लीजिएगा ठीक ना। बात करते हैं दोस्तों ICC T20 महिला 2022 में कहाँ आयोजित होगा, 2022 में महिला वाला T20 विश्व कप, तो ये होगा न्यूजीलैंड में। तो बात करते हैं दोस्तों ICC की, तो ICC के बारे में याद रखेगा कि ICC के अध्यक्ष CEO कौन है दोस्तों, तो ICC के CEO मनु साहनी है, मनु साहनी ICC के CEO है। और ICC का मुख्यालय कहाँ है, तो ICC का मुख्यालय दुबई में है, ICC का मुख्यालय दुबई में है। और इसके अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं, इमरान ख्वाजा जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, तो इमरान ख्वाजा ICC के अध्यक्ष हैं, इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो किस राज्य में की गई है दोस्तों, तो ये की गई है दिल्ली में, दिल्ली में लॉन्च की गई है दोस्तों। बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो इसका उद्देश्य रहेगा दोस्तों कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना। तो प्रदूषण से आप याद भी कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक यानी प्रदूषण सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, दिल्ली में ठीक ना, तो ऐसे आप दिमाग में बैठा सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की, तो दिल्ली के बारे में याद रखिएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजल यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बात करते हैं दोस्तों केरल की, तो केरल के बारे में याद रखेगा कि केरल में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला आया था, कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला केरल में आया था। त्रिपुरा में हाल ही में एक टू पढ़ो योजना की शुरुआत की गई है। अब पंजाब के बारे में यह रखेंगे दोस्तों कि पौ से पंजाब और पौ से पूर्ण कर्फ्यू हाल ही में कोरोना वायरस के कारण सबसे पहले कहाँ लगाया गया था तो दोस्तों ये लगाया गया था पंजाब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है पायलट योजना को किसने शुरू किया है, तो किसने किया दोस्तों, तो ये किया है RBI ने, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया है। बात करते हैं दोस्तों कि पायलट योजना का उद्देश्य क्या रहेगा, तो पायलट योजना का उद्देश्य दोस्तों कोई भी व्यक्ति बिना इंटरनेट के 200 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकता है इस योजना के तहत। बात करते हैं दोस्तों RBI की, तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है, तो इसके पास शक्ति ज़्यादा होगा ठीक ना, तो इसके गवर्नर कौन है दोस्तों, तो शक्तिकांत दास RBI के गवर्नर हैं, जो कि 25 नंबर के हैं, यानी 25 नंबर।
बात करते हैं दोस्तों आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका मुख्यालय मुंबई में है। बात करते हैं एसबीआई की दोस्तों, तो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है, तो रजनीश कुमार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। आप पीएनबी के बारे में याद रखेंगे दोस्तों कि पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की ब्रांड अम्बेसडर कौन है, तो विराट कोहली इसके ब्रांड अम्बेसडर है। एडीबी की बात करते हैं दोस्तों कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ए से याद रखिएगा अशोक, ए से याद रखिएगा अशोक यानी अशोक लवासा। तो अशोक लवासा को हाल ही में एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र PPP योजना शुरू किया है, तो किसने किया दोस्तों, तो ये किया है हरियाणा ने, इस योजना को शुरू किया है हरियाणा ने। बात करते हैं दोस्तों हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर यहाँ के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण यहाँ के राज्यपाल है। तो इतना याद रखेगा हरियाणा के बारे में। एक और याद रखेगा दोस्तों कि कोरोना वायरस को सबसे पहले महामारी घोषित किस राज्य ने किया था, तो ये हरियाणा ने ही किया था। मध्य प्रदेश के बारे में याद रखेगा दोस्तों कि मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोको टोको अभियान चलाया है, सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन किया है और इंतजार आपका अभियान भी यहीं पर चलाया गया है। तो बात करते हैं याद कैसे होगा, तो देखिए दोस्तों मध्य प्रदेश यानी एमपी को मध्य प्रदेश कहते हैं, तो रोको टोको यानी अगर कहीं आप जाते हैं तो आपको कौन रोकता टोकता है, कहीं गलत काम करने जाएंगे तो आपको कौन रोकेगा टोकेगा, तो एम से माता पी से पिता यानी एमपी यानी माता पिता, तो मध्य प्रदेश। आप बात करते हैं इंतजार आपका, तो अगर आप कहीं चले जाएंगे तो आपका कौन इंतजार ज़्यादा करेगा, एमपी यानी माता पिता आपका ज़्यादा इंतजार करेंगे, तो ऐसे याद कर सकते हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड के हाल ही में ग्रीष्मकालीन राजधानी किसको बनाया गया है, तो गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया, ये याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने ऑनलाइन कक्षाएँ शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो किसके साथ किया है दोस्तों, तो ये गूगल के साथ महाराष्ट्र सरकार ने समझौता किया है। तो बात करते हैं दोस्तों गूगल की, तो गूगल के सीईओ कौन है, तो सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं गूगल के। हरियाणा के बारे में याद रखिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो उद्धव ठाकरे इसके मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल है, तो इतना याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों विश्व बैंक की, तब विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, ये भी याद रखिएगा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेजिंग अयोध्या पुस्तक को किसने लिखा है, तो किसने लिखा है दोस्तों, तो ये लिखा है नीना राय ने इस पुस्तक को लिखा है। बात करते हैं कि इस पुस्तक में किसका वर्णन किया गया है दोस्तों, तो इस पुस्तक में अयोध्या शहर के बारे में पूरी जानकारी प्रदान की गई है और सीता माता के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। बात करते हैं दोस्तों रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड हाल ही में एक पुस्तक लिखा है कि ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। बलदेव सिंह ने भी एक पुस्तक लिखा है सूरज कदे मर्दा नहीं, और फांग ने भी पुस्तक लिखा है वुहान डायरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कौकाज 2020 अभ्यास कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो कहाँ किया जाएगा दोस्तों, तो ये किया जाएगा रूस में इसका आयोजन किया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों कि इसमें कौन कौन देश भाग लेंगे, तो इसमें भारत भी भाग लेगा, चीन भी भाग लेगा, पाकिस्तान भी लेगा और तुर्क भी इस में भाग लेगा। बात करते हैं दोस्तों कि भारत की ओर से 150 सैनिक और नौसेना व वायुसेना के मुख्य पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल होंगे, तो इतना याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ को मनाया गया था, कौन सी वर्षगांठ को मनाया गया दोस्तों, तो ये 78वीं वर्षगांठ को मनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसको अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PNB यानी PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD और CEO किसको बनाया गया है, तो किसको बनाया गया दोस्तों, तो ये बनाया गया है हरदयाल प्रसाद को। हरदयाल प्रसाद को नीरज व्यास के स्थान पर इनको हरदयाल प्रसाद को इसका MD और CEO बनाया गया है। बात करते हैं दोस्तों हेमंग अमीन की, तो हेमंग अमीन के बारे में याद रखिएगा कि हेमंग अमीन BCCI के CEO हैं, BCCI के CEO हाल ही में बनाए गए हैं। अब वरुण श्रीधर की बात करते हैं दोस्तों, तो वरुण श्रीधर को पेटीएम मनी का नया CEO बनाया गया है, पेटीएम मनी का। बात करते हैं पिछले वीडियो का उत्तर क्या था दोस्तों, कि मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए मिशन मार्स 2020 को किसने लॉन्च किया है, तो किसने किया है दोस्तों, तो ये किया है नासा ने, ये किया है नासा ने इसको लॉन्च। बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की दोस्तों, तो आज का अभ्यास प्रश्न है कि PM मोदी का नया निजी सचिव किसको बनाया गया, तो किसको बनाया गया, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोस्तों, और लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।